हेलो दोस्तों, गाइस आप सभी लोग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो देखो गाइस, हमारे कबूतर जो हैं इतनी ज़्यादा भूखी हो गई हैं। देखो पीछे पीछे घूम रही है। अभी देखना जहाँ जहाँ जाऊँगा पीछे पीछे आएंगी। बस ये उस वाली छत से इस वाली छत पे, जहाँ ये लकीर दिख रही है ना गाइस, यहाँ से इधर की साइड ज़्यादा नहीं आती है। अभी दाना डालते हैं। देखो दाना मेरे हाथ में है, तो इन सबको अभी सुबह का टाइम है गाइस और सभी भूखी हो गई हैं। वो देखो गाइस तड़प रही हैं सब, उधर अंदर वाली। इन्हें भी डाल देते हैं इधर। तो चलो चाहे गाइस, अभी हम फार्म में चलते हैं। वहाँ पे देखो हमारे फार्म का जो वो वाला वो है दरबा, जो छोटा सा, जिसके अंदर दिख रहा है एक डिब्बा रखा हुआ है। तो गाइस वहाँ पे डक्स के बच्चे निकल चुके हैं। 4 अंडे थे और 4 ही चारों बच्चे निकल गए। मैं भी ले चलता हूँ वहाँ पर, आपको दिखाता हूँ। ओह, ये झंडा भी ढाल देता हूँ, ये भी ले जाना नीचे। ये वाली मुर्गी शायद से जा रही है अंडे देने। सही, भाग गई। बेबी डक्स देखने के लिए तैयार हो जाओ गाइस। ये देखो हमारे बेबी डक्स, ये देखो गाइस, ये है एक माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे कलर में हुए हैं। तो गाइस मैं कल गया था उमर में घर, वहाँ से जब आया हूँ देखा हूँ यार इतने प्यारे प्यारे कलर के, सभी एक ही जैसे हो गए एकदम। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि बेबी डक्स हमारे सभी एक ही जैसे हैं। और ये जिस तरीके के बेबी डक्स है, ये वाला हाँ और ये वाला, अगर इन दोनों का अगर देखा जाए तो देखो दोनों सेम टू सेम। ऊपर से ब्लैक है और नीचे से वाइट है। देखो ये देखो, नीचे से वाइट ऊपर से ब्लैक, और ये भी उसी तरह है, ऊपर से काला है और नीचे से वाइट है। और इसका पर जो निकल रहा है वो भी वाइट वाइट निकल रहा है, देखो ये वाले। और हमारे ये है दूसरा, ये है तीसरा, चौथा किधर है, ये है चौथा। तो ये वाला सबसे पहले निकला था और बाकी फिर तीनों एक साथ ही निकल गए थे। इधर ये मुर्गी के बच्चे जो पूरे निकले थे इसका 3 से 4 दिन पहले, वो सभी हैं। 6 निकले हुए थे, 6 और बचे हुए हैं। इंशाल्लाह ये बड़े हो जाएंगे। इधर पानी है, इधर 0 नंबर फीड रखी हुई है, यहाँ से खाते हैं। अभी डक्स नहीं खाते हैं पर मुर्गी के चीज खाते हैं। यार देखो हमारी जो इसमें मुर्गियां अंडे से रही थी, वो देखो चले तो निकलने की तैयारी में है, तो इसे मैं निकाल देता हूँ पहले। यहाँ से पहले ताला खोलता हूँ और अभी इसको खोल देता हूँ। यहाँ पे तो चावल रखा था, पता नहीं पानी शायद से इसको पीना है क्या। आ अभी वो निकल के आएगी। और यहाँ पे तो मैं तो गाइस यार ये गड़बड़ हो गई है। सुबह में जिसने भी ये डक्स खोलने आया था मैं, तो गाइस देखो ये 2 अंडे में जैसे यहाँ पे रखा हूँ उसी तरीके, और ये मुर्गी आज दी है ऐसे 2 यहाँ पे रखा हूँ उसी तरीके से। यहाँ पे भी 2 अंडे रखा था और ये अंडे 5 से 6 दिन के हो गए थे, खराब हो गए थे। तो उस वाली मुर्गी के नीचे से निकाल के मैं 2 यहाँ रख दिया था और 2 वहाँ रख दिया था। यार वो कोई अंडे ही लेके भाग गए यहाँ से, अब पता नहीं वो कब मिलेगा कहाँ मिलेगा। घर में ले गया होगा कोई, पक्का के खा ना जाए उसे। 5 से 6 दिन हो गया था गाइस इसके अंडे बच्चे तो नहीं पड़े थे, पर उसे मुर्गी ने छेद दिया था। 2 दिन छेद देती है तो हम लोग नहीं खा सकते, उसे हराम हो जाता है। 5-6 दिन से गए, अब इसे खोजता हूँ जाकर कि कौन वो अंडा लेकर गया है। 2 अंडे यहाँ पे रखा, यहाँ से गायब। पूछ रहे थे कि ढोला कहाँ से बनाया भाई, तो देखो यहाँ से बनाया था मैं। देखो इसके अंदर मैं ढोले बने, इसके अंदर ढोला हाथ थोड़ा बहुत बचे होंगे तो उसे छोड़ दिया वैसे और पैदा होने के लिए। इसी में पैदा होते हैं, इसी में इस पर ले। देखो घास उसके घास डाला हूँ ताकि ढोला घास उस खाएँ, वो अंडे बच्चे करें ढोला, फिर वो मुर्गियों को बच्चों को खिलाऊंगा मैं।
बच्चे बड़े होंगे। दोस्तों देखो ये मुर्गी अभी अभी अंडा छोड़ के आई है। ये मुर्गा इसके साथ आ गया है बातचीत करने के लिए। को 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 ऐसे बोल रहा है, कुछ कुछ तो बोल रहा है ये पक्का, मुझे नहीं समझ में आया। देखो फिर बोला है को 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 को। ये आ गई, अभी दाना खाएगी। कप 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 कप। चलो गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।